हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बस तो हम लोगों ने वोल्टेज फेजर का एग्जांपल देख लिया है, अब हम करंट का देखेंगे। क्या गिवन है आपको? एक फिगर गिवन है आपको, डेल्टा कनेक्टेड फिगर है, देखिएगा। ओके, आपको क्या गिवन है? ये फिगर सिंपली आपको गिवन है, ये ए है, यहाँ करंट आई ए फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट आई सी हो रहा है, ये आई बी, और आई ए की वैल्यू आपको दी हुई है 10 एंगल 0 डिग्री। ओके, आपको क्या बताना है? पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट आपको बताना है, यानी आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू आपको बताना है। ओके ओके, तो कैसे करेंगे सर? तो मैं आपको बोलूँगा, ये करंट आई ए जा रही है 10 एंगल 0 डिग्री, आई सी तो जीरो होगा बिकॉज यहाँ ब्रेक है, यहाँ मैंने आपको ब्रेक दिखाया हुआ है, यानी ओपन सर्किट, तो आई सी जीरो होगा, आई सी सर्किट में जीरो जीरो एम्पियर फ्लो करेगा। आई बी क्या होगा ये हमको देखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक नेटवर्क मानूंगा, होल नेटवर्क मानूंगा, इसको एक पूरा नेटवर्क मानूंगा। तो आप लोगों को पता होगा, किसी भी नेटवर्क में जितना करंट इनपुट होता है उतनी करंट आउटपुट होता है, और वी कैन से द सम ऑफ द इनपुट शुड बी इक्वल टू जीरो। बोलिए, हाँ, सम ऑफ द करंट शुड बी जीरो एट नोड एनालिसिस इफ ऑल करंट इज इनवर्ड। बोलिए, हाँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए तीन करंट है, आई ए, आई बी, आई सी, तीनों इनवर्ड करंट्स हैं, तो इसका सम जीरो होगा कि नहीं होगा? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, सम जीरो होगा ना? हाँ होगा। तो मैं इसको एक पूरा नेटवर्क मान रहा हूँ, इसमें आई ए करंट जा रहा है 10 एंगल 0 डिग्री, तो मुझे ये बताना है कि आई बी की वैल्यू क्या होगी और आई सी जीरो जीरो एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो सिंपली ये समझ में आया, ये भी समझ में आएगा, मैं क्या लिखूंगा, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्यों लिखा, ये इस नेटवर्क में आई ए आई बी आई सी सारे इनवर्ट्स करंट हैं, इनकमिंग करंट्स हैं इस नेटवर्क के लिए, तो तीनों का सम जीरो होगा। बोलिए, हाँ, नोडल एनालिसिस में समझ में आ रहा है। ओके, तो आई ए आई बी आई सी अगर जीरो है, और हमको ये पता है आई सी जीरो है क्योंकि इसमें आई सी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो आई ए प्लस आई बी क्या होगा, आई ए प्लस आई बी जीरो होगा। बोलिए, हाँ, तो आई ए प्लस आई बी जीरो होगा, तो आई ए इज इक्वल टू माइनस आई बी होगा। हाँ, आई ए 10 एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है, तो आप बताइए आई बी को मैं क्या लिखूँ, आई बी को मैं लिखूँ -10 एट एंगल 0 डिग्री, और इसको मैं लिखूँ 10 एट एंगल 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, ये है सही, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आई ए आपका 10 एंगल 0 डिग्री है, ये मान लिया आई ए, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि आई ए 120 डिग्री क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज ये होगा। आप कुछ ही बोलिए, ये आई बी होगा, तो आई बी माइनस माइनस आई ए है, दिख रहा है आपको माइनस आई ए, तो मैं इसको 10 एट एंगल 120 डिग्री लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आई बी को 10 एट एंगल 180 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई ए तो आपको पता ही है 10 एंगल 0 डिग्री, आई बी क्या होगा 10 एट एंगल 180 डिग्री। बोलिए, हाँ, तो ये हमारी वैल्यू आएगी आई ए आई बी आई सी की। अब सिंपली हमको क्या करना है, रिजॉल्व इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम ड्राइव कर लेंगे इसकी वैल्यू। बोलिए, हाँ, रिजॉल्व इक्वेशन क्या थी, फिर से लिखूँ, वो से वैलिड है वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। तो मैंने जैसे वोल्टेज के लिए लिखा था वैसे करंट के लिए लिखूंगा। बोलिए, हाँ, मैंने वोल्टेज के लिए क्या लिखा था, वी ए नॉट, वी ए वन, वी ए टू, करंट के लिए क्या लिखूंगा, आई ए नॉट, आई ए वन, आई ए टू। बोलिए, हाँ हाँ 1/3, 1 1 1 1, अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ये आपको याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आई ए आई बी आई सी। बोलिए, हाँ, ये समझ में आया। तब इसकी हेल्प से हम सिंपली ये क्वेश्चन लिख लेंगे, कौन सी इक्वेशन, आई ए नोट लिख लूँगा मैं, क्या होगा? बोलिए, हाँ, आई ए नोट क्या होगा, 1/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। बोलिए, हाँ हाँ तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी तो हमारा जीरो है, हम लोगों ने अभी देखा था सारे इन्वर्ट करंट्स हैं इस नेटवर्क के लिए, तो सबका सम जीरो, जब ये जीरो हो गया तो आई ए नोट हमारा जीरो हो जाएगा, यानी जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट इसमें होगा ही नहीं। बोलिए, हाँ, ओके, तो आई ए वन क्या होगा, आई ए वन देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट क्या होगा, 1/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराइए, आई ए अल्फा आई बी अल्फा स्क्वायर आई सी, आई ए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी,
लेकिन क्वेश्चन में ही हमको गिवन है आई सी तो है हमारा जीरो, इसको मैं कर दूंगा जीरो, इसका खेल खत्म। आई बी क्या है हमारा माइनस आई ए, हम लोगों ने देखा था अभी आई बी क्या है माइनस आई ए, तो इसका भी खेल खत्म। खेल खत्म कहने का मतलब आई बी को मैं रिप्लेस करूंगा माइनस आई ए से, बोलिए। हाँ हाँ तो मैं इसका मॉडिफिकेशन क्या लिखूंगा देखिएगा ध्यान से, ये 1/3 है अपने पास ऑलरेडी, ये आई ए, ये माइनस अल्फा आई ए होगा कि नहीं, आई बी को माइनस आई ए लिखूंगा तो माइनस अल्फा आई ए होगा, आई ए लूंगा कॉमन तो यहाँ से 1 - α आई ए होगा, बोलिए। हाँ समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ये आई सी जीरो, इसका तो खेल खत्म। आई बी क्या हो माइनस आई ए है, दिख रहा है ना, आई बी माइनस आई ए, आई ऑलरेडी मैंने यहाँ से आई ए लूंगा कॉमन तो 1 - α आएगा, बोलिए। हाँ और मैंने आपको जब अल्फा ऑपरेटर पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ ऑपरेशंस बोला था याद करने के लिए, उसमें से एक ऑपरेशन था 1 - α। 1 - α की क्या वैल्यू होती थी आप लोग बताइए, 1 - α को मैं क्या लिखता था, √3 टाइम्स ऑफ एंगल -30°, बोलिए। हाँ ये आपका आई ए है, बोलिए समझ में आया क्या लिखा हुआ है मैंने, ये कहाँ से लिखा, अल्फा ऑपरेटर जब आपको समझाया था तो मैंने बताया था ये कैसे आया और मैंने बोला था इसको याद करने के लिए, तो आई होप ये मैंने कैसे लिखा आपको याद होगा। ओके तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, आइए कितना दिया है 10 ∠0° ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10, आइए 10 ∠0° है तो 10 ∠ -30° ये हो जाएगा, और √3/3 इसको मैं √3 लिखूँगा, बोलिए। हाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.778 ∠ -30°, बोलिए। हाँ तो आई ए क्या आ गया हमारा, मैं यहाँ सेपरेट लिख लेता हूँ, आई ए नॉट क्या आया, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आया, क्योंकि सारे इन्वर्ट करेंट्स हैं सबका सम होगा ज़ीरो। आई ए वन क्या आया, आई ए वन आया हमारा 5.778 ∠ -30°, अगर कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके इसका रिजल्ट ये आया। अब क्या बच रहा है, आई ए टू यानी नेगेटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट बच रहा है हमारे पास, तो मैं इसको करूँगा, अच्छा लिखा रहे यहाँ पर लिखूंगा नेगेटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट आई ए टू। आई ए टू क्या होगा, 1/3, बोलिए। हाँ आई ए टू 1/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई ए अल्फा स्क्वायर आई बी अल्फा आई सी, बोलिए। हाँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आई ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी, बोलिए। हाँ ये मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आया। ओके अब हम करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आई सी तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, आई सी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है, आई सी करंट है ही नहीं तो आई सी हो जाएगा जीरो। आई बी क्या होगा, माइनस आई ए, अभी देखा हम लोगों ने। इस एक्सप्रेशन को मैं सिंपली क्या लिखूंगा, 1/3, यहाँ से आई ए लूंगा कॉमन, 1 - α² आई ए होगा यहाँ पर, बोलिए। हाँ ये कैसे लिखा समझ में आया आपको, आई सी है जीरो, आई बी है माइनस आई ए, अभी बताया था, तो आई ए लूंगा कॉमन तो 1 - α² बचेगा, तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया। ओके अब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन भी याद करने के लिए बोला था कि 1 - α² की वैल्यू क्या होती है, 1 - α √3 टाइम्स 30° लैग करता है, तो 1 - α² √3 टाइम 30° लीड करेगा, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, 1/3 1 - α² को मैं लिखूंगा √3 टाइम्स ऑफ 1 ∠ 30°, ये लैग कर रहा था 30° √3 टाइम्स, ये √3 टाइम 30° लीड करेगा 1 - α², पूरा अल्फा ऑपरेटर आपको पढ़ाया हुआ है उसमें आपको पता चलेगा, उसको आपको याद रखना है। आई ए की वैल्यू क्या गिवन है, 10 ∠0°, बोलिए। हाँ हाँ तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपके पास आएगा 5.77 ∠ 30°, तो आई ए टू क्या आया हमारे पास, आई ए टू हमारे पास आया 5.77 + 30°। ओके तो हमारा आ गया आई ए नॉट आई ए वन आई ए टू, सिंपल है। अच्छा रिजल्ट तो हमारा आ गया, अब हम कुछ कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन्स क्या है देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिएगा। ओके अगर हमको आई ए वन मालूम है तो इसका मतलब हमको आई बी वन आई सी वन मालूम है, और आई ए टू हमको मालूम है तो इसका मतलब हमको आई बी टू आई सी टू मालूम है, बोलिए। हाँ कैसे सर, आई ए वन क्या होता है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट, बोलिए। हाँ 1 पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मैं पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ड्रॉ करूंगा। आई ए वन कितना है, 5.77 - 30°, तो मैं मान लीजिए इसको रेफरेंस लेता हूँ, समझते जाइएगा आसानी से। ओके आराम से इसको मैं ले रहा हूँ रेफरेंस, 5.77 - 30° कहाँ होगा बताइए आप, तो आई ए वन कहाँ होगा, आई ए वन कहाँ होगा, -30° यानी लैग करता हुआ होगा 30° रेफरेंस से, ये क्या होगा आई ए वन। जब आपको आई ए वन पता है और आपको ये भी पता है ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है तो ए बी सी सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ ड्रॉ होगा, जिसमें बी ए से 120° लैग करेगा और सी 120° लीड करेगा, बोलिए। हाँ
एबीसी फेज सीक्वेंस में बी 120 डिग्री लैग करता है ना और सी 120 डिग्री लीड करता है। तो आई ए मान लीजिए 30 डिग्री है, मान क्या लीजिए 30 डिग्री हमारा आया हुआ है -30 डिग्री, तो -30 डिग्री ये है। तो आई बी कहाँ ड्रॉ करूँगा वो देखिएगा, आई बी से 120 डिग्री डिस्प्लेस होना चाहिए, तो -150 पर ड्रॉ करूँगा, बोलिए हाँ हाँ तो ये होगा आपका आई बी वन। ये क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि फेस सीक्वेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव फेस सीक्वेंस ए बी सी होता है, बार बार बोल रहा हूँ। तो बी जो होता है 120 डिग्री लैग करता है और सी 120 डिग्री लीड करेगा, तो ये 30 डिग्री है, तो इसको ली 120 डिग्री लीड करने के लिए आई सी वन जो होगा आपका वो 90 डिग्री लीड करेगा। ये कैसे आया समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। सिमिलरली मैं आई ए टू के आई ए टू को ड्रॉ करूंगा, आई ए टू जब मैं ड्रॉ करूंगा तो फेस सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव फेस सीक्वेंस है, फेस सीक्वेंस ए सी भी होगा, बोलिए हाँ, जिसमें सी 120 डिग्री लैग करेगा और बी 120 डिग्री लीड करेगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा आई ए टू, आई ए टू रेफरेंस क्या लूंगा, 0 डिग्री रेफरेंस लिया, 30 डिग्री लीड करता हुआ है आई ए टू, ये आपका मैंने ड्रॉ किया आई ए टू। आई ए टू क्या है 5.77 30 डिग्री, एंगल से मतलब आपको ये 30 डिग्री लीड कर रहा है। अगर आई ए टू 30 डिग्री लीड कर रहा है तो आई ए टू हमारा बैलेंस सिस्टम होता है, यानी नेगेटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे बैलेंस सिस्टम के ही होते हैं, ओके ना। तो बट सीक्वेंस अपोजिट होता है क्योंकि, तो इसमें क्या होता था बी 120 डिग्री लैग करता था, इसमें सी 120 डिग्री लैग करेगा, बोलिए हाँ। तो 120 डिग्री लैग करवाने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा 90 डिग्री, 30 प्लस 90 यानी 120 डिग्री, तो आई ए से 120 डिग्री आई सी लैग करेगा इन केस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट, बोलिए हाँ। तो आई सी क्या होगा 5.77 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, ये एंगल हम रेफरेंस के उसमें लिख रहे हैं, रेफरेंस जीरो पे लिख रहे हैं ना, इस पर इसलिए 30 डिग्री लिखा हुआ है एंगल, ये -90 डिग्री होगा। अच्छा फिक्स सीक्वेंस क्या है ए सी बी, सी 120 डिग्री लैग कर रहा है तो बी 120 डिग्री लीड करेगा, तो 120 डिग्री लीड को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा बताइए, ये 30 प्लस 120 डिग्री, तो आई ए सॉरी आई बी क्या होगा, आई बी टू क्या होगा 5.77 एट एंगल ऑफ 150 डिग्री, बोलिए हाँ हाँ। तो ये दोनों हम लोगों ने कर लिया ड्रॉ, आई ए वन आई ए टू हम लोगों ने कर लिया ड्रॉ। अब देखिएगा आई ए वन और आई ए टू की हेल्प से हम रिजोल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, डिराइव इक्वेशन मैंने बताया था ना, इक्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आई ए टू और आई ए वन के कॉम्पोनेंट का सम जो होगा वो आई ए होगा, यानी 10 एंगल 0 होगा, ये आपको शो करूंगा अभी मैं, कैसे शो करूंगा इसको करता हूँ रफ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले। ये कैसा है आपको समझ में आया ना, ओके ये हमारा आई ए टू है, रेड से लिखता हूँ ताकि अलग दिखाई दे, ओके ये हमारा आई ए टू है, बोलिए हाँ हाँ। मैं यहाँ क्या ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा ये होगा हमारा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये हमारा क्या है आई ए वन, यहाँ से लिख रहा हूँ आई ए वन, यहाँ से ड्रॉ करूँगा आई ए टू, इन दोनों का सम आई ए टू, जब इन दोनों का आप सम देखेंगे